ये चंद्रपाल जयदासपुर के रहने वाले हैं और दूसरे रामदास गाजियाबाद के तरफ से ये 10 रुपए पार्टी के सम्मान में देते हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। देखिए राजा नलद दुमैति कुलवाड़े में रहने लगे, बचन केत परवीन राजा नल और दुमैति को दिना बीत गए तीन। तो तेली और तेलिन आपस में बात करते हैं कि ये परदेशी और परदेशन को लेके आए हो, इनके लिए काम बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। जी सुनते ना हो। हाँ, हाँ, बोल बोल बोल। एक बात बताऊं तुम्हें, बुरा ना मानो तो हाँ। तुम्हें पता ये थाली परे खा रहे हाँ, और खाए खाए गए, और तुम्हें पता है कि रीति भरी कुआ भी खाली हो जाता है ऐसे बैठे बैठे तो। यू तो सही कह रहे हैं। अरे एक बात बताओ हाँ। अब एक काम करो, इन्हें कोई काम बता दो जो हिलने से लगे रहे में। अच्छा इन्हें हाँ। एक काम कर बताओ, मैं तो यहाँ पे उछलवाऊंगा कोलू कोलू, और तू बाप को लुगाई है का हाँ। वहाँ पे तू सरसों सरसों फटकवाऊं, सही कह रहे हो। पहले एक काम तो कर बताओ, खान को तो अभी तो पहुंचाया मैंने, फूके को हाँ। और मैंने तो कुछ नहीं पहुंचाया। फिर घर को भोजन ले गया पहले, सही है। तो मैं घर का भोजन लेकर जा रही हूँ, लेकर पहुंचा घर को, सही है। चिंता मत करो, तुम बैठो मैं गई। हाय करूं ये जग जले जंगल तक जल जाए, पापी जी करिए ना जले तो इसमें हाय समा। अब मैं चलती हूँ और जाकर थल का भोजन पहुँचाऊंगा, और मेरे करता जी और तेलनी जाए रही रे दोनों परिदेश कही जी पा।
हमारी बहन नमस्ते। अरे बहन मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। सही है बहन आइए और आप इस भोजन को खाकर। ठीक है बहन। भोजन लेके तुम्हें ती पत के ढंग को रही है जाए जी। पहले भोजन खवाओ सैया को बाद में खाएगी तुम्हें तिनारी जी। महाराज रानी साहब ये लो तुमने ये भोजन तय किया था। भोजन तैयार है। अच्छा तो खर को भोजन हाथ में मस्तक से लियो लगाए जी। आज प्रभु खल को मिलो कल अन्न को दइए आज 18 अरे दिन में नलवा खर को भोजन खा। घर को भोजन खाए रहो बड़ो रे स्वाद मेरे भैया बा भोजन में आयो। आरे बानी पी के आलस को आए हेलो नल को आलस आवे गौ रे मर्द आ कर को भोजन खाए के तई आलस आए गौ राजा नल को इधर दुमहती अपने पति के लिए देखती है कहने लगी हे भगवान ये क्या किया आप? ना कोई तेली से मेरी दुश्मनी ना कोई मेरो पैर मोको ऐसी माल में पड़ रही है मेरे पति को घर में दिवा दो जे हे भगवान। लकड़ी जल कोयला भई अरे कोयला जल भई राख हर में पाप ने ऐसी जली अरे कोयला भई ना राख। हे भगवान आज कवक अरे बदले सुने पैरी अरे तेन ले ले कुलवाड़े अरे कवके अरे बदले सुन बेरी ले ले कुलवाड़े में अरे मेरे पते को अरे देवाए दो जी घर में सुने पैरी बारी अरे उम्र में अरे मैं धन कर दई अरे पटासी सुने पैरी
रे चलो जाए सुने पैरी कवके यरे बदले सुने पैरी ले ले कुलवाड़े में स्वामी चंदन मंगवाए लिपी अरे चंदन यरे बन से मेरे स्वामी चंदन मंगवाए लिपी और चिता में लिपी यरे संग में जितिया चुने वाए महाराज ये तेली के लिए क्या और ऐसे उल्टे सीधे शब्द आप प्रयोग कर रही हैं? मैंने 18 दिन में खल का भोजन खाया और पानी पी के नार मुझे आलस आया, इसमें तेली की कोई कमी नहीं है? तो महाराज मैंने तो ये सोचा कि तेली ने मेरे पति के लिए जहर दिवा दिया। अन छोटा अरे मत बोलो मेरी त्रिया तेली अरे भैया को जग में अरे ले धर ली हमारी नहीं थी, मैंने धोखे से तेली के लिए गाड़ी दे दी, मैं अपने जीते जीते कभी बुरा नहीं कहूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने यह खाना खा लिया, आप भी अभी खाना खा लो। ठीक है महाराज, जब तुमने खा लिया तो मैंने पहले खा लिया। तो ये पतिव्रताओं के नियम होते हैं, पतिव्रता पानी हाथ को रे पानी पीवे पतिव्रता पानी पति हाथ को रे पानी पीवे बिन पति देखे के दिन जीवे पतिव्रतन की होते ही बानी खाना या न पिए ना पानी पतिव्रतन के जेई में बिन पति देखे अरे नरवरिया के सुन भैया नाए दिल में परत चैन रेवा पतिव्रता के वचन केत परवीन राजा और राजा नल के लिए दुमैती के लिए दिन बीत गए। तीन तेली और तेलन आपस में बातचीत करते हैं आपके सामने। अरे तेलन, अरे क्या सो गई? अब सुन, तू तो उसे काम बता, पड़ी रहती है वो। हाँ, कुछ करती ना है वो तो। और मैं उसके लिए काम बताता हूँ पहले।